द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हो चुकी है और कश्मीर में जो हुआ 1990 के समय में, 90 के दशक में जो कश्मीर के पंडितों ने यातनाएं झेली, जो दर्दनाक और खौफनाक मंजर था, लोगों को अपने घरों को छोड़ने को विवश होना पड़ा, लोग घर से बेघर हो गए, इसी के परिवार के कई सदस्य उस दंगे में मारे गए। लेकिन उस समय किसने ये सब किया और कश्मीर की इस खौफनाक मंजर की कहानी शुरू कब हुई थी? कश्मीर के इस खौफनाक मंजर का कर्ता धरता था JKLF। JKLF एक ऐसा संगठन था जिसने कश्मीर में खून खराबा किया, जिसने कश्मीर की कश्मीरियत को मार दिया, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए हर एक पैतरा आजमाया, जो पाकिस्तान के कहने पे नाश्ता था और जो पाकिस्तान को अपना आका मानता था। JKLF का फाउंडर था मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट ने JKLF का एक विंग बनाया था जिसे कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट का नाम दिया गया। इसी विंग ने बाद में भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के साथ में लड़ाई लड़ी, खुल के लड़ाई लड़ी। बाद में इसमें शामिल हुए यासीन मलिक। अब हम आपको बताते हैं कि कौन था मकबूल भट्ट। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था और कश्मीर एक आजाद रियासत। तभी 1938 के फरवरी माह के कुपवाड़ा जिले के त्रागाम में मकबूल भट्ट का जन्म हुआ। मकबूल जब 11 वर्ष का था तभी उसकी मां का निधन हो गया। वो पढ़ाई लिखाई में ठीक था। वक्त गुजरता रहा, मकबूल ने श्रीनगर के सेंट स्टेफेंस कॉलेज से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद की पढ़ाई के लिए वो पाकिस्तान की पेशावर यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ मकबूल की मुलाकात शायर अहमद फराज से हुई। फराज से मुलाकात के बाद मकबूल को शायरी भा गई और उसने वहाँ पे उर्दू अखबार में काम करना शुरू कर दिया। पेशावर से पढ़ाई पूरी करने के बाद मकबूल भट्ट पाकिस्तान से ब्रिटेन के शहर बर्मिंगम जा पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ और लोगों से हुई। इसके बाद उसने एक संगठन बनाने की योजना बनाई और एक विंग बनाया जिसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम दिया गया। भारत अब आजाद था, कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, लिहाजा कई साल बाद 1966 में मकबूल भट्ट भारत आ गया। यहाँ आते ही वो कश्मीर को आज़ाद करने की आवाज़ उठाने लगा। वो बागी बन चुका था, भारत के खिलाफ बोलने लगा था। वो अपने साथ दूसरे अलगाववादी विचार वाले युवाओं को जोड़कर कश्मीर में भारत के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहा था। इसी बीच एक दिन मकबूल और JKLF का सामना पुलिस से हो गया। गोलाबारी हुई और मकबूल का एक खास साथी औरंगजेब एनकाउंटर में मारा गया। साथी अमरचंद नामक एक पुलिस अफसर भी शहीद हुआ। इसके बाद पुलिस ने अमरचंद की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट और उसके एक अन्य साथी काला खान को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज हो चुका था, तफ्तीश चल रही थी। जांच में मकबूल भट्ट पर दुश्मन देश का एजेंट होने की बात पता चली। उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद मकबूल भट्ट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस श्रीनगर जेल में बंद था कि अचानक 1968 की एक रात को मकबूल भट्ट अपने दो कैदी साथियों के साथ जेल से फरार हो गया और बाद में पता चला कि मकबूल भट्ट पाकिस्तान चला गया है। उसके बाद 1971 में मकबूल भट्ट ने एक इंडियन एयरलाइंस कंगा का अपहरण कर लिया। प्लेन हाईजैक करने वाले कश्मीरी युवक थे और इन दिनों को वो विमान को हाईजैक करके लाहौर पहुंच गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार मकबूल भट्ट को गिरफ्तार करने की मांग की गई, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। मकबूल भट्ट कुछ दिन के बाद भारत वापस आ गया।
ये मामला फिर गर्म हुआ और मकबूल भट्ट को तुरंत फांसी देनी पड़ी, क्योंकि मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग को लेकर JKLF के आतंकवादियों ने इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे का कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से आनन फानन में इंदिरा गांधी ने मकबूल भट्ट को फांसी पे चढ़ा दिया।